वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल घरेलू नुस्खे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने बालों को लंबा और शाइन बना सकते हैं। बहुत ही सरल एवं आसान नुस्खा हम आपको बताने जा रहे हैं हमारी इस वीडियो के जरिए। आप हमारे इस नुस्खे को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखें ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए कि आपने इस नुस्खे को कैसे और किस प्रकार इस्तेमाल में लाना है। यह नुस्खा बताने से पहले मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक नुस्खों की जानकारी हमारे इस चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो इस नुस्खे के लिए सबसे पहले आपने लेनी है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप किस प्रकार निकालेंगे ये आप देख रहे हैं। एलोवेरा जेल जो आपने लेनी है बिल्कुल आपने प्योर लेनी है। तो इस प्रकार कट करके आप जेल निकालेंगे। जो बाजार में एलोवेरा जेल मिलती है उसका आपने इस्तेमाल नहीं करना, आपने बिल्कुल प्योर जेल ही लेके आनी है। अगर आपको प्योर जेल मिलने में कठिनाई हो रही है तो आप बाजार की जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार हल्के हल्के से रब करेंगे और ये जेल सारा अलग होता चला जाएगा। बिल्कुल आपने हल्का हल्का चक्कू चलाना है, ज़्यादा जोर से मत चलाएं क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा फिसलन होती है जो कि आपके हाथ पे लग सकता है और हाथ कटने का डर बना रहता है। इसलिए आराम से सावधानी से इस जेल को आप निकालें। अब इसके अंदर आप एक विटामिन ई का कैप्सूल डिप कर देंगे। आपने इसी प्रकार डिप करना है अच्छे से जेल के अंदर। ये जेल के अंदर अपने आप ही सारा पिघल जाएगा, घुल जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, आधे से एक घंटा लग जाता है इसको अच्छे से मिक्स होने में। ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब इसके अंदर आप एक चम्मच कोकोनट ऑयल मिक्स कर लें। एक चम्मच कोकोनट ऑयल मिक्स करने के बाद इस प्रकार अच्छे से मिक्स करके अब आप इस मिश्रण को अपने बालों में लगाएंगे। बालों में लगाने से पहले आप अपने बालों को अच्छे से धो लें क्योंकि जो भी आपकी धूल मिट्टी होगी आपके बालों में से वो निकल जाएगी। निकालने के बाद आपने इस मिश्रण को अपने बालों की स्कैल्प पे अच्छे से लगाना है। पहले इसकी आप शुरुआत जड़ों से करेंगे। जड़ों में अच्छे से लगाने के बाद फिर शेष मिश्रण को आप अपने बालों की लंबाई में विरोध की साइड अच्छे से लगा लेंगे। और इस मिश्रण को लगाने के बाद 2 से 3 घंटे आपने बालों में अच्छे से लगा रहने दें। अब आप अपने हेयर वॉश कर सकते हैं। हेयर वॉश करने के लिए आप गर्म पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। गर्म पानी जो है बालों की जड़ों को और बालों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। बालों की जड़ों में तो इतना नुकसान पहुंचाएगा कि आपके बाल झड़ने लग जाएंगे और आपके बाल डैमेज होकर टूटने लग जाएंगे और आपके बाल रूखे और बेजान होने लग जाते हैं। वो सिर्फ गर्म पानी की वजह से ही ऐसा होता है। तो इस बात का आप खासतौर पर ध्यान रखें, गर्म पानी का इस्तेमाल आप अपने बालों में बिल्कुल भी ना करें। तो आप नॉर्मल पानी की सहायता से अपना हेयर वॉश करें, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। तो इस नुस्खे को आप सप्ताह में 2 बार अवश्य इस्तेमाल में लाएं और कुछ ही दिनों के अंदर आप खुद देखेंगे कि आपके बाल जो झड़ते थे वो भी नहीं झड़ेंगे और जो आपके बाल रूखे और बेजान हो चुके थे, टूट रहे थे, वो भी टूटना बंद हो जाएंगे और आपके बालों की ग्रोथ बढ़नी हो जाएगी और आपके बाल बिल्कुल शाइन हो जाएंगे। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी सब आपको अच्छी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक नुस्खों की जानकारी हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी बताने के लिए हमारे चैनल पर कमेंट करें, लाइक करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपके जरिए और को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में इस तरह किसी अन्य नुस्खे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।